गुड डे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा इस ग्राफ को हमें ड्रॉ कैसे करना है। देखो बच्चों, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स है, आपको मालूम है मॉड्यूलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मिनिमम जीरो होगी। दैट मीन्स आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन का, अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर वो मॉड वाई के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। तो पहली बात नोट करने वाली ये है कि जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव हो सकती है, तब मुझे ग्राफ मिलेगा, लेकिन जब भी एफ एक्स नेगेटिव होगा तो मुझे वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। तो पहला मुझे पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, इंप्लाइज y does not exist, मुझे y नहीं मिलेगा, y कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता जो जब मेरा fx less than 0 हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपका ग्राफ x एक्सिस के नीचे जाएगा, जहां पर fx की वैल्यू 0 से कम होगी, वहां पर मेरा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करें उसमें जितना भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे आ रहा है, जहां पर fx की वैल्यू less than 0 है, वो आपको इरेज कर देना है, क्योंकि वहां पर आपको y की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिल सकती। अगर मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, यानी मेरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हुआ या उसको टच करेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो इंप्लाइज मॉड y विल बी एफ एक्स, और ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है या जीरो है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स, ये बात आपको समझनी है। तो जब भी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मुझे वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस और माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो मुझे वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी, जीरो। इंटरेस्टिंग बात है कि जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो मुझे वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस एफ एक्स। मान लीजिए मैंने एक्स को ए ले लिया, और तब मेरे पास एफ ए का वैल्यू 4 आ गया। इमेजिन करिए एफ ए का वैल्यू 4, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई की जो वैल्यू है मेरे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगी, यानी एक 4 के लिए आंसर 4 आएगा, दूसरे 4 के लिए आंसर माइनस 4 आएगा। मेरे पास दो पॉइंट्स आएंगे ग्राफ पर, जब एफ एक्स 4 होगा तब मैं वाई को 4 लूंगा, और जब एफ एक्स 4 होगा तो मैं वाई को माइनस 4 भी लूंगा। तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू 4 के लिए ग्राफ पे दो पॉइंट मिलेंगे, 4 4 और 4 माइनस 4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ये एक्स की वैल्यू ए है, इसके लिए मुझे एफ एक्स की वैल्यू 4 मिल गई, तो एक तो ये पॉइंट आएगा एफ एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4, और इसी 4 के लिए जब एफ एक्स की वैल्यू 4 है तो मुझे वाई की वैल्यू माइनस 4 मिलेगी। इसका मतलब ये होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ग्राफ पे आएगा। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि जब भी एफ एक्स पॉजिटिव होगा, मैंने आपको बताया सपोजिंग एक्स को ए ले लिया, मेरे पास एफ ए की वैल्यू 4 आ गई, तो मॉड वाई इक्वल टू 4, तो वाई कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। यानी एफ एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक ऊपर मिलेगी और उतनी ही नीचे मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां पर आपका एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है उतना ही ग्राफ आपको नीचे लेना है, मतलब जो पॉजिटिव रीजन में आपका ग्राफ है, एक्स के ऊपर जो ग्राफ है उसका आपको रिफ्लेक्शन ले लेना है एक्स एक्सिस के नीचे, 4 के लिए माइनस 4 इस तरह से, 2 के लिए माइनस 2, 1 के लिए माइनस 1 इस तरह से, जो भी ग्राफ आपका ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के उसका आप रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस में और नीचे ग्राफ बना लेंगे। ये बात है। तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा है वो मैंने आपको समझाया, जब भी एफ एक्स नेगेटिव होगा नीचे आएगा तो मेरे पास वाई की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स का, और जहां जहां पर एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है उस पोर्शन को आप इरेज कर दीजिए, फिर जहां जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस को मिरर मान के, और ग्राफ को कंप्लीट करिए। तो ये मेथड होगा ड्रॉ करने का मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करने होंगे। सपोजिंग पहला एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। सपोजिटली मैं मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया कि पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे,
पहले हम साइन ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जैसे करते हैं। तो एक साइकिल के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया पाई, ये हो गया माई प्लस थ्री पाई बाय टू, और यहां पे ये कुछ हो गया टू पाई। एक पॉजिटिव साइकिल ले लेते हैं, एक नेगेटिव साइकिल ले लेते हैं, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू और माइनस टू पाई। ऐसे यहां पे माइनस थ्री पाई बाय टू, यहां पर माइनस पाई, और यहां पर ये हो गया माइनस टू पाई। ये बात हो गई। साइनसा ग्राफ कैसे आएगा, वन और माइनस वन जाएगा, आपको पता है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा लाइक दिस। ये ग्राफ हो गया मेरे पास वाई इक्वल टू साइन एक्स का, एक नेगेटिव साइकिल और एक पॉजिटिव साइकिल ऐसे मैंने बना दिया। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको बताया गया कि जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उसको आप इरेज कर दीजिए, बिकॉज मॉड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। तो इतने पोर्शन को हमने इरेज कर दिया, जो भी नेगेटिव पोर्शन में था इसको हमने इरेज कर दिया। और अब मैंने बताया कि जो भी ग्राफ ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन नीचे ले लीजिए एक्स एक्सिस को मिरर मान के। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से मुझे मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा। आपको समझना ये होगा कि मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ से जो हमको मिला है वैल्यू, जो शेप हमको मिला है, ये शेप फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो जगह कट करने वाली है। तो आपको पता है कि अगर मुझे ग्राफ से चेक करना हो कि गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या मैं एक भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो ग्राफ को दो पॉइंट्स में कट करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन, एक भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो ग्राफ को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करेगी, तो फिर वो शेप, फिर वो ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ नहीं होता है। तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स से जो हमको शेप मिलेगा ग्राफ का, वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इस बात को बच्चे याद रखें। तो ये पहला एग्जांपल हुआ मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव रीजन रिरेज कर दिया, और फिर जो ऊपर रीजन था उसका हमने क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन ले लिया। इस तरह से मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमको मिला। इसी तरह से और भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, अगर मुझे मॉड वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ चाहिए, सपोज इट इस तरह से लीनियर फंक्शन, तो आप अलग अलग वैल्यूज लेकर के इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब मैं एक्स को जीरो लूंगा, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करूंगा वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का, बाद में जाएंगे मॉड पे। तो पहले वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ, जैसे पहले हमने वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। एक्स को जीरो लूंगा तो वाई इक्वल टू थ्री हो जाएगी, तो वन टू एंड थ्री ये पॉइंट आ गया ग्राफ के ऊपर। और अगर मैंने वाई को जीरो लिया तो एक्स हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू, तो ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री बाय टू। तो शायद मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, इस तरह से ऐसे चला जाएगा। तो ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरा ग्राफ ऐसे चला गया, इन दोनों पॉइंट से पास होता होगा। ये मेरे पास ग्राफ आ गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का। अब आपको बताया गया कि जितना भी ग्राफ एक्स के नीचे आ रहा है उसको रब कर दीजिए। तो एक्स के नीचे जो ग्राफ जा रहा है उसको रब कर दिया, और फिर बताया गया कि जो ग्राफ पॉजिटिव रीजन में आ रहा है, ऊपर के रीजन में आ रहा है एक्स के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए नेगेटिव में। तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री यहां से पास होगा। तो ये ग्राफ हम ऐसे बना देंगे। ये आपके पास ग्राफ आ गया मॉड वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। इस तरह से लीनियर फंक्शन का ग्राफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, व्हेन एफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। देखो, मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स, थर्ड एग्जाम्पल, मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स। तो ऑफकोर्स एक्स शुड बी पॉजिटिव नंबर, बिकॉज लॉग एक्स एक्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ आपको पता है कैसे आता है, लॉग फंक्शन ग्राफ आप सबको पता होगा। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ये वन जीरो पॉइंट, लॉग एक्स का ग्राफ हमेशा यहां से पास होगा, और ये ग्राफ आ गया वाई इक्वल टू लॉग एक्स का। आपको पता है कि बताया गया कि अगर मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वाई इक्वल टू लॉग एक्स का, अब मुझे चाहिए मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स। तो जितना ग्राफ नेगेटिव रीजन में आ रहा है उसको मिटा दीजिए, उसको मिटा दीजिए, और जो पॉजिटिव रीजन का ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन लीजिए, इसको मिरर मान के, तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ हो गया मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स का। ये बात हुई बच्चों। देन मॉड वाई इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, अलग अलग नेचर के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे होगा।
तो मैं ग्राफ ले रहा हूं फोर्थ वाला, मॉड वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे मुझे समझ में आ रहा है, क्या इसका रूट थ्री आ सकता है? तो नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री, यस थ्री इसका रूट आ जाएगा, वन टू थ्री। माइनस वन आ सकता है क्या? माइनस वन, वन प्लस टू, यस आ जाएगा। तो माइनस वन और थ्री इसके रूट्स हैं। अगर मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का, बाद में मॉड वाई पे जाएंगे, आपको बताया मैंने। अगर मैंने एक्स को जीरो लिया तो वाई माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब यहां से मेरा ग्राफ पास होगा। वन के लिए वैल्यू कितनी आएगी? वन माइनस टू माइनस थ्री, दैट विल बी माइनस फोर। तो ये मेरे पास माइनस फोर हो गया, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मे बी आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का। अब आपको बोला गया कि जितना भी ग्राफ एक्स के नीचे उसको इरेज कर दीजिए, उसको इरेज कर दीजिए, और जो ऊपर ग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स को मिरर मान के, तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ आ गया मॉड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का। ये बात हो गई फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया आपके लिए मैंने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मॉड वाई इक्वल टू ई एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं मॉड वाई इक्वल टू ई एक्स। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वाई इक्वल टू ई एक्स का, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ई रेस्ट एक्स का ग्राफ हमेशा जीरो वन से पास होगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ मेरे पास आ गया वाई इक्वल टू ई रेस्ट एक्स का। होप आप लोगों को फंक्शंस के ग्राफ की नॉलेज है, बेसिक फंक्शंस के ग्राफ की। तो वो मैं इसी कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनता है, लॉगेस का ग्राफ कैसे आता है, SNS कैसे आता है, वो मैं समझा रहा हूं। ये ग्राफ आ गया ई रेस्ट एक्स का। आपको बताया गया कि जितना भी ग्राफ एक्स के नीचे आ रहा है उसको इरेज कर दीजिए, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका कोई भी पोर्शन एक्स के नीचे नहीं है। ओके, तो वो हमारा काम खत्म हो गया कि एक्स के नीचे जो ग्राफ था उसको हमें इरेज करना था, वो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताया गया कि जितना ग्राफ ऊपर की तरफ है उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए एक्स एक्सिस में, इसको मिरर मान के। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा कुछ, ये पॉइंट हो जाएगा जीरो माइनस वन, और इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा दोनों का पेयर मॉड वाई इक्वल टू ई एक्स का। तो बच्चों इस तरह से मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी थ्योरी क्या है पहले मैंने वो समझाई, और चार पांच अलग अलग नेचर के ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ किए और बताया मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको टीचिंग्स पसंद आ रही है कि नहीं, और जरूर बताइए कि आप कौन से वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।